और भाई फाइनली यूट्यूब के पैसों से कैमरा और यूट्यूब का सारा सामान ले लिया है हमने। और ये भाई मेरा गोप्रो कैमरा जो मैंने मंगाया था, अनबॉक्सिंग भी हो गई इसकी। तो भाई ये भीड़ लगी है क्योंकि यहाँ एक छोटे से लड़के फर्स्ट स्टोरी का इंजाम लग गया था। गाइज गुड मॉर्निंग, जय शंकर भगवान। तो गाइज स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में और ये आपका अपना चैनल वेदी ब्लॉग्स और मैं हूं आपका होस्ट यतीश वेदी। आज हम जा रहे हैं दिल्ली और ये तो इसको जानते हो गए आप बकरा, और ये है प्यारे मामा जी। मामा जी नमस्ते, हेलो बोल दो ना, कल प्यार दो भाई भांजे को, प्यार दे दो भांजे को। और भाई इन्हें जानते हो गए, और भाई यह हमारी गली देख लो, एक एक बाल्टी पानी ले डेली थोड़ा थोड़ा मारते हैं, सारा इन पर भी ना लगता, ये भी नरे नुह रह गए बकरे ही डाल। जय बाबा की सिस्टम है। छूले छूले नानू के पैर, खड़ा हो जा, बोलो बाय नानू, आई लव यू, पुपियू पुपियू। और ये दिल्ली के रास्ते में भाई, और दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाम लगा हुआ है भयंकर वाला। और ये है भाई रावण के ढांचे, क्योंकि दिल्ली में इतने बड़े रावण बनते हैं, सॉरी ढांचे नहीं है, पुल बनाने के हैं, पुल में काम आते हैं। तो और भाई दिल्ली में सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार जाम की, थोड़ा थोड़ा खुला है लेकिन वही देखो हल्की हल्की चलती है बस। तो गाइस भाई फाइनली हम लाल किला मार्केट हैं दिल्ली में, और भाई हम सामान लेने आए गोप्रो जो मैंने कैमरा मंगाया है ऑनलाइन, 36,000 कुछ का था ऑनलाइन, तो वो भाई हमने सेल में मंगाया क्योंकि 28,000 कुछ का। और भाई हम फिलहाल गोप्रो 9 का मतलब सामान लेने आए हैं, तो भाई देखते हैं कहाँ से सामान लेंगे और कौन सी शॉप बेटर है, आपको बताऊँगा किस शॉप पर मतलब कम प्राइस में आपको अच्छा सामान मिल जाएगा वो भी देखेंगे। और भाई जिसको दिल्ली में सामान लेने आना हो भाई, और तो वो जो अपना जल्दी निकले क्योंकि 6 किलोमीटर का रास्ता था और 1.5 घंटा दिखा रहा था, देख लो कितना जाम है मतलब यहाँ। तो दिल्ली की मार्केट बिल्कुल तैयार है, क्राउड बहुत ज्यादा हो गया देखो, और टेस्टिंग कर करके दिखा रहे हैं पटाखे वाली बंदों को की, और सब चीजें भाई बिल्कुल सब चीजें मतलब सजावट से लेके खाने पीने का लेके बम पटाखे और क्राउड देखो। और ये है भाई रेड फोर्ट सामने बिल्कुल, और हमें जाना है इधर मार्केट में। भाई अब जब भी दिल्ली की मार्केट में आओ तो अपनी बाइक को या गाड़ी को नो पार्किंग मत लगाना, क्योंकि यहाँ कमेटी वाले मतलब उठा के ले जाते हैं, देखो वो उठाने लग रहे हैं। और भाई ये सही भी है क्योंकि अगर प्रशासन ने बोल रखा है कि नो पार्किंग में नहीं लगानी तो क्यों लगा रहे हो उस चीज को। ये भाई मार्केट एसेसरीज की, मेन एसेसरीज की, ईयरिंग लाइट वगैरह कैमरे वगैरह और सैंडिस्क। और भाई यहाँ करेंगे हम पता हमारे गोप्रो के बारे में। मार्केट के अंदर घुसते भाई ये शॉप है निकॉन सागर एंड सन्स, और भाई यहाँ एक किट बता रहे हैं 2200 की गोप्रो की, पूरी किट है उसमें, जितने देर में किट आ रही है भाई इतना मार्केट देख लें। और भाई ये देखो कैमरे 2-2, 3-3, 4-4 लाख के हैं, और ये भाई ने ये ले ली बैटरी, अच्छा ये कैनन की बैटरी ली है, और चला। और भाई देखो ये लगभग सारी एसेसरीज की मार्केट है। ये भाई किट लेने आए थे तो भाई ने कैमरा लिया है 2.5 लाख के आसपास का, और साथ में इनका मूवी टक आने के आपने कैमरा लिया आज, ये देखो कांग्रेचुलेशन ब्रदर, बोलो थैंक्स, बोलो इधर भी यार कांग्रेचुलेशन। और ये भाई हमारी किट भैया एक बार बताओगे क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं सर इसमें, ये इसकी स्टिक है ठीक है, इसका ट्राइपॉड है ठीक है, इसकी बेल्ट है भाई के आपके सामने, ये इसके स्क्रीन कार्ड है आगे पीछे नहीं, 9-10 दोनों सेम होते हैं, आगे ऊपर बंदा 9-10 ये क्या है सर, ये फॉर्म है इसकी साफ करने का, हां ये इसके स्टिकर है हेलमेट को चिपकाने के लिए, ये सक्शन कप है, ये आपका बाइक का है,
ये सारे जे माउंट है आपके, जे माउंट है, जे माउंट हेलमेट को लगाने के लिए। ये चेस्ट बेल्ट है आपकी, ये हेलमेट बेल्ट है आपकी सर पर लगाने के लिए, सारा कुछ होता है। इसमें गोप्रो भी है वैसे? हाँ जी, हेलमेट की ये माउंट है ना, माउंट लगा के उस पर गोप्रो लग जाता है। ये सारा सामान है, ये वाटर प्रूफ केसिंग है, पानी में छोड़ दो कैमरा डूबेगा नहीं, इसके साथ रहता है। एक बार भैया आप अपनी दुकान का एड्रेस बता दो। एड्रेस बता दो। ये सर मेरी दुकान का विजिटिंग कार्ड है, सागरन सन्स ओपन। ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। और ये भाई मेरा गोप्रो कैमरा जो मैंने मंगाया था, अनबॉक्सिंग भी हो गई इसकी, और इसको एक बार चेक करके देख ले कि ट्राइपॉड पे लग रहा है या नहीं। और ये भाई कैमरा फिक्स कर रहे हैं भैया, तो ये फिक्स कैसे कर सकते हैं भाई, फिक्स कैसे करना वो आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग है क्योंकि मेरी भी, मैं खुद सीख रहा हूँ अभी। तो ये भाई हमारा व्लॉगिंग के लिए तैयार हो चुका है, और ये भाई ओरिजिनल गोप्रो का डुअल बैटरी चार्जर, और एक है ये तीन बैटरी वाला चार्जर, ये चाइनीज है इसका। ओरिजिनल कितना रेट था भैया? 5400। और इसका? 900। इसका 900 भाई। तो और ये चाइनीज है, ये ओरिजिनल है। तो आप ओरिजिनल और चाइनीज का भाई पता कर लीजिए पहले, आप बिल ले लीजिए। और हम बैटरी भी कर रहे हैं, और हमने किट फाइनल कर दी है। और भाई हमने लिया है कि वाटरप्रूफ केस, जो मतलब वाटरप्रूफ के लिए है, और कैमरा भी सुरक्षित रहेगा, बाकी टेम्पर्ड ग्लास तो हो ही जाएगा और इससे भी सुरक्षित रहेगा। और एक हमने लिए भाई ये बैटरी गोप्रो की, और भाई ओरिजिनल बैटरी की वो पहचान देख लेना आप, एक तो सील मिलेगी लगी हुई, और एक MRP मिलेगा, और आप बिल ज़रूर मांगे शॉप वाले से, क्योंकि बिल दे रहा है तो मतलब ओरिजिनल ही होगी। और बाकी तो लगभग तो सारा किट में ही आ गया, और बाकी भैया ने आपको बता ही दिया था किट के बारे में क्या 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 नहीं। और 2100 के आसपास की लग जाएगी किट आपको, अगर यहाँ पे आके बात करोगे आप भैया से। और शॉप का एड्रेस मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको कार्ड की फ़ोटो भी दिख जाएगी। और देखते हैं फिर और कुछ लेंगे या मार्केट घूमेंगे, वो आप देखने आगे। तो भाई बैटरी का आप ऐसे बिल ज़रूर ले लें शॉप का, क्योंकि उससे आपको श्योरिटी हो जाएगी कि बैटरी ओरिजिनल है या नहीं। अगर बिल आपको एज बिल शॉप का दे रहा है तो ओरिजिनल बैटरी है, आप निश्चिंत होकर ले जाइए। और भाई फाइनली यूट्यूब के पैसों से कैमरा और यूट्यूब का सारा सामान ले लिया है हमने, तो बहुत खुशी हो रही है भाई, पैसा बर्बाद करके पापा के यूट्यूब के पैसे जाने भाई, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है यार, यूट्यूब कहाँ से पैसा देगा अभी। तो भाई भाई ने और पापा ने दिलाया है, और भाई अब आँख देखो मेरी कैसे लाल हो रखी, सूझ रखी बिल्कुल, क्योंकि मच्छर 3-4 दिन से लगातार घुस रहे हैं और पेन हो रहा है बहुत। और अब आए भाई बिजली मार्केट में, क्योंकि दिवाली के लिए लड़ियां लेनी है, सजावट के लिए सामान लेना है। 350 रुपये फोटो ये भाई, सारी चीजें मतलब जो वहाँ भी मार्केट में जाती हैं सब यहीं से जाती हैं, फिर वहाँ जाके थोड़ा सा और रेट होता है, उनका घर कर चलता है। इनके अलग मजे हैं भाई, ये क्या ड्रामा है, उड़ा दे भाई उड़ा दे। हाँ बेटे करते पवन फायर, फायर करते फायर। ओ भाई साहब सीन है यार, गजब सीन, देखो एक नंबर। और भाई गुंडागर्दी मार्केट, गुंडागर्दी मार्केट, भू 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 आवाज देखो पटाखे में कैसे आवाज भाई साहब, बहुत बड़ी मार्केट है, लाइट मतलब भीड़ है टॉप लाइट की मार्केट में, और एक से एक लीड लड़ी देखो। तो भाई भीड़ लगी क्योंकि यहाँ एक छोटे से लड़के परस्तोरी का इंजाम लग गया था,
देखो ये छोटे से लड़के के ऊपर चोरी का इंजाम लग गया था। आंटी और अंकल गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि जो गुस्सा कर रहा था तो इसको ही पकड़ लिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो भाई फाइनली हम यहाँ पे शॉपिंग करके और निकल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि इतनी भीड़ में चोरी वगैरह हो जाती है। जैसे वो अंकल और आंटी उस लड़के को पकड़ रखा था, छोटा सा लड़का चोरी कर रहा था। तो भाई आप भीड़ में जाओ तो अपना बैग देखो मैंने कैसे लगा रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान है। तो भाई कहीं भी पीछे लगाओगे तो चोरी हो जाए, पर्स वगैरह चोरी हो जाए, तो इन चीज़ों का भाई ध्यान रखो। तो भाई मैंने पहली बार दिल्ली की मार्केट में, मतलब दिवाली सीजन में आया हूँ, तो भाई बहुत भीड़ थी। और जो यहाँ का रेगुलर बंदा उसको तो भाई आदत होगी। तो भाई और बाकी आपने शॉप वगैरह देख ली होगी, सामान कहाँ से लेना है, और मार्केट पूरी है भाई, एसेसरीज के अलग से है, लाइटिंग के अलग से है, सब चीज़ें हैं भाई। तो आप अपना देख जांच करके लो। और तो भाई मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महाकाल, जय बाबा दयाल।